तो आपका एक बार फिर से स्वागत है सिटेक के यूट्यूब के चैनल पे। तो आज हम लोगों के पास है एक फुल्ली गेमिंग लैपटॉप जो है हमारा डेल का G3 3500 मॉडल है। तो चलिए आज हम इस बॉक्स को ओपन करेंगे और देखेंगे ये लैपटॉप देखने में कैसा है और गेम टेस्ट के साथ इसको टेस्ट भी करेंगे। इसके में स्क्रीन क्या है, प्रोसेसर क्या है, रैम क्या है, तो सारा चीज़ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए, शुरू करते हैं। तो चलिए हम इस बॉक्स को अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो चलिए देखिए, तो हमें बॉक्स में मिला ये हमारा है पावर एडेप्टर का पावर केबल, और ये हमारा है चार्जर जो आपका आता है 130 वाट का। ये हमारा चार्जर है जो आपके लैपटॉप को जल्दी से चार्ज कर देगा। तो चलिए हम चार्जर को रखते हैं साइड। तो ये हमारा लैपटॉप है डेल का G3 जो देखने में काफ़ी स्पोर्टी लुक भी लगता है। तो देख लीजिए, इसमें ऊपर में आपको डेल का लोगो मिल जा रहा है और देखिए इसके पीछे साइड में आपका G3 का लोगो दिया गया है। और अगर आप पीछे साइड देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको G3 का लोगो के साथ आता है। और नीचे साइड आपका ये जो ब्लू कलर का आप जो ग्रीप देख रहे हैं ये इसका लुक को काफ़ी बेहतर बनाता है। और आपका लैपटॉप नीचे से थोड़ा सा उठा हुआ भी रहेगा इसके कारण, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया गया ताकि जो भी गर्मी रहे वो आराम से नीचे से निकल जाए। तो चलिए हम इसके स्लॉट्स के बारे में अगर जानेंगे तो आप देख सकते हैं राइट साइड में जो हमें स्लॉट्स मिलती है, तो ये आपका है लॉक के लिए, एंटी लॉकिंग एंटी थ्रिप लॉक के लिए सिस्टम है। ये दो आपको USB स्लॉट्स मिल जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 3.5 mm का जैक, उसके बगल में आपको मिल रहा है SD कार्ड का स्लॉट्स। तो ये था आपका राइट साइड में। और अगर हम इसके पीछे साइड में जानेंगे, इसमें आपको देखिए डुअल कूलिंग फैन मिल जाता है जो आपके लैपटॉप को जरा सा भी गर्म होने नहीं देगा, मतलब हीटिंग की प्रॉब्लम आपको इसमें बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको देख रहे हैं पीछे साइड आपका दो एग्जॉस्ट फैन दिया गया है इसमें जो आपके लैपटॉप के सारे गर्मी को आराम से बाहर कर देगा। और अगर हम लेफ्ट साइड में देखते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको मिलता है यहाँ पर आपका लैपटॉप का चार्जिंग स्लॉट्स दिया गया है। ये आपका HDMI का स्लॉट्स है जिससे आप स्क्रीन को आराम से दूसरे बड़े स्क्रीन पर लगा के यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है इस साइड भी एक USB का स्लॉट, और ये आपका LAN है। तो LAN पोर्ट होना ज़रूरी है क्योंकि जब आप गेमिंग के लिए लैपटॉप को यूज़ करेंगे इसमें आपको अच्छा नेट भी चाहिए। और तो वायर से जब नेट को यूज़ करेंगे उसका जो कनेक्शन स्पीड होगा वो काफ़ी बेहतर होता है वाईफाई की तुलना में। तो ये था हमारा स्लॉट के बारे में, और आपको इसमें तो आगे पीछे कुछ नहीं है। तो चलिए, ये जो हमारा G3 लैपटॉप है ये आता है आपका NVIDIA ग्राफिक्स के साथ, GeForce का ग्राफिक्स है 1650 मॉडल है जो सबसे लेटेस्ट है अभी NVIDIA की तरफ से। इसमें आपको मिलता है प्रोसेसर इंटेल का कोर i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर आ जाता है इसमें आपका। और इसका अगर स्टोरेज और मेमोरी के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपको मिलता है 8 GB का रैम, GB के रैम के साथ इसमें आपको मिलता है 256 GB का SSD कार्ड और 1 TB का हार्ड डिस्क के साथ ही आता है आपका। अगर हम कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी से बना हुआ है, तो आपको बटन प्रेस करने में भी लगेगा कि ये अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया इसको बनाने में, प्लास्टिक जो यूज़ हुआ है। तो ये हमारा कीबोर्ड है, उसके ऊपर जस्ट आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट और पावर बटन के साथ एक बटन दिया गया है। और इसमें एक यूनिक चीज़ दिया गया इस कीबोर्ड में कि आपको जी बटन मिलता है, अगर जी बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपका गेमिंग मोड ऑन हो जाएगा। इससे आपका जो भी एक्स्ट्रा फैन लगा हुआ है इस कंप्यूटर में वो सारा काम करना चालू कर देगा, जिससे क्या होगा कि आपका सिर्फ कंप्यूटर जो है लैपटॉप बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा और आपको गेम खेलने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे नहीं होगी। और ये जो हमारा आप डिस्प्ले देख रहे हैं ये आपका है 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले, जिसका हर्ट्ज है 120 हर्ट्ज पे ये काम करती है। मतलब है कि ये फुल्ली टॉप लेवल का आपको जो डिस्प्ले है ये फुल्ली टॉप लेवल का दिया गया है इसमें, ताकि आपको गेम खेलने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। तो चलिए हम इसमें गेम एक प्ले करके देखते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहता है इस PC में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम इसमें गेम टेस्ट करके देखते हैं आपका। इसमें आपको देख लीजिएगा, आपको स्पीकर का भी टेस्ट हो जाएगा इसके साथ साथ, कि इसका स्पीकर भी बहुत ही अच्छा दिया गया है जो कि आपके साउंड को एकदम बेहतर कर देता है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं।
देख सकते हैं आप गेम को, जरा सा भी आपका यहाँ पे कोई लैक नहीं है गेम में। अभी खेलने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा वो गेम कैसे खेलता है। तो चलिए, मेरा कुछ गेम में अच्छा नहीं है रिजल्ट ऐसे भी। तो ये भाई हम सबसे पीछे पहुंच गए हैं। तो चलिए, तो आप देख सकते हैं कि गेम भी इसमें एकदम आपका स्मूथली चलता है, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको गेम खेलने में नहीं आने वाला है। तो आप कोई भी गेम इस कंप्यूटर में आसानी से खेल सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छा है और इसमें आपका एनवीडिया का 4GB ग्राफिक्स कार्ड के साथ आता है। तो कैसा लगा ये लैपटॉप, आप हमको एक बार बताइएगा ज़रूर।